इंक्रीज स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट विश भी स्तनपान सप्ताह। और सबसे मेन बात इसमें है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी अनन्य स्तनपान यानी कि जन्म के पहले 6 माह तक बच्चे को पानी नहीं देना, केवल स्तनपान कराना है। और उसके बारे में अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क को फर्स्ट वैक्सीन कहा गया है, पहला टीका। सोचिए क्या आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर होते हैं ये सारे तत्व। इट कंटेन्स इम्यूनोग्लोबुलिंस जैसे IgA जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, लैक्टोफेरेटिन, लैक्टोपरोक्सीडेज कॉम्प्लीमेंट्स, बायफिडस फैक्टर जो आजकल बच्चों में होने वाली कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की समस्याओं को प्रिवेंट करने में काम आता है। उसके बाद हम बात करें कितना ब्रेस्ट मिल्क एक दिन में सीक्रेट करती है, एक महीना 750 मिलीलीटर्स पहले 6 माह तक, जिसमें दूसरे माह में सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है और उसके बाद 6 से 12 माह तक वो सीक्रेट होता है 600 ml प्रतिदिन के हिसाब से। 6 माह तक अन्य स्तनपान जिसकी हम बात कर चुके हैं, अगर बीच में पानी पिलाएंगे तो उससे बच्चे को होगा डायरिया। कोलेस्ट्रॉल होता है पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसको कई बार कई जगह पर डिस्कार्ड करने की प्रैक्टिस भी होती है। इसके लिए हम ये बात कह सकते हैं कि विटामिन A, B कॉम्प्लेक्स, आयरन और जिंक से होता है भरपूर और 100 रोगों पर रखे दूध। दूध कितनी बार पीएं, कम से कम दिन में 8 बार दूध पिलाएं। उसकी पहचान ये है कि बच्चा दूध पीने के बाद 2 घंटे तक सोए और डाइपर कम से कम 6 से 8 बार पीला करे और सही वजन गेन करें, मतलब एडिक्वेट वेट गेन। उसके बाद अगर हम बात करें स्तनपान के लाभ, तो सबसे पहले बच्चों के लिए क्या लाभ हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं कि इन्फेक्शन को बचाएगा, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, डायरिया और निमोनिया के एपिसोड्स को कम करता है, मानसिक विकास को बढ़ाता है। माता के लिए क्या होता है, बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव, परिवार नियोजन का नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जी हाँ, 2 बच्चे में अंतर करने का काम आता है, इन्वोल्यूशन ऑफ यूटरस में हेल्प करता है, ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर को प्रिवेंट करता है और एफ्लुएंट सोसाइटी की महिलाओं के लिए इट प्रिवेंट पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन यानी कि प्रमोट्स पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस, मतलब फिगर को मेंटेन रखने में काम आएगा। उसके बाद सोसाइटी के लिए ये लाभ हो सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क क्योंकि चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है और क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बच्चे कम बीमार पड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम होती है, बच्चे रहें स्वस्थ, घर का भविष्य रहें सुरक्षित। उसके बाद अगर हम बात करें कब शुरू करें, अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी इसको शुरू करें, जन्म के आधे घंटे के भीतर सीजेरियन सेक्शन में 4 से 6 घंटे के भीतर। और उसके बाद तो तरह तरह की प्रैक्टिसेस हमारे समाज में होती हैं जैसे जन्म बूटी, पानी, शहद, ड्राई पाउडर, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला फीड बिल्कुल नहीं, ओनली ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाएं।